हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पौड़ी कॉरिडोर का कांग्रेस जोर शोर से विरोध कर रखी है। 6 दिवसीय जन जागरण यात्रा निकालने के बाद अब कांग्रेस ने जन आक्रोश सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराव मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि सरकार को कॉरिडोर प्रोजेक्ट की DPR और नक्शा सार्वजनिक करना चाहिए। कॉरिडोर पर स्थिति स्पष्ट न होने से स्थानीय व्यापारियों में भय का माहौल है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस कॉरिडोर मामले में बेवजह राजनीति कर रखी है। और हरिद्वार एक ऐसा है जिसके अगर आप टोपोग्राफी देखें तो एक तरफ मनसा देवी है, दूसरे चंडिका माँ है और बीच में माँ गंगा और लोगों की दुकानें और शहर बसा हुआ है। अगर ऐसे में अगर सब तोड़फोड़ होगी तो इतने लोग जो हजारों लोगों का कारोबार है, परिवार चलते, इनका क्या होगा? इसका कोई वैकल्पिक रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। और जो DPR ऑलरेडी बनी हुई है, जिसको देखने की मांग आगे स्थानीय लोग कर रहे हैं, अभी तक DPR को सार्वजनिक नहीं किया गया, उसको लेकर आक्रोश है। रातल पे उतरने का इंतजार करके क्या लोगों को उजड़ने दें? आपका ये मानना जब डोजर चल जाएंगे तब हम लोग सड़कों में उतरे? जब पता है DPR बन गई, जब पता है उजारा जाएगा लोगों को, वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसकी ओर को ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे क्या? इंतजार करेंगे बीजेपी की सरकार है और सबकी दुकानें तोड़ दे? कांग्रेस पिछले 50 सालों में हरिद्वार में कराई गया है। कांग्रेस में सेवा राजनीति के देश भर में राजनीति है। कांग्रेस की कुछ करना धरना है नहीं, खाली राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आ गए, चुनाव में राजनीति शुरू हो गई। जितने कांग्रेस के नेता उतने ग्रुप नेता ही शामिल है, व्यापारियों को समर्थन भी कोई नहीं, ना किसी का समर्थन नहीं है। वो जितने कांग्रेस के नेता उतने ग्रुप हैं,